हाँ, देहरादून में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण पहल से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। बता दें कि प्रदेश में ऐसे बच्चे जो भिक्षावृत्ति, खनन और ईंट भट्टों में काम करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग एजुकेशन ऑन व्हील प्रोग्राम चलाकर उत्साहित किया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के DG ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कि इसमें दो तरह का हम लोग करते हैं, जो NRST के हमारे स्कीम्स है उसके तहत हम लोग आसरा और जो आसरा ट्रस्ट है उसके माध्यम से, और बटरफ्लाई एक NGO उसके माध्यम से, इसके अलावा जो हमारे अपने शिक्षकों के माध्यम से भी ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको मुख्य धारा की हम लोग जो पढ़ाई है उसमें सम्मिलित करते हैं, जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करना, अगर मान लीजिए स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो श्रम विभाग के द्वारा भी और समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम लोगों ने बसें उपलब्ध कराई हैं जिसमें पूरी पाठ सामग्री है, वो वहीं पर जाकर के उन बच्चों को हम लोग पढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी जो बच्चे छूटे हुए हैं उसके लिए हमने रिसीव किया है कि कोई भी बच्चा ना छूटे, हर एक बच्चे को पढ़ाई का मौका मिले।